नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लॉट संख्या 39A में रहने वाले चंदन कियारी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ की घर में चोरों ने ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। डॉक्टर श्रीनाथ कल शाम लगभग 4 बजे अपने परिवार वालों के साथ रांची किसी पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने बताया कि रात लगभग 2 बजे जब मोबाइल में घर में लगे सीसीटीवी को देखने लगे तो उसमें कुछ हरकत देखने को मिली। देखा कि 3 चोर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद इसकी सूचना पड़ोस में रहने वाले रवि कुमार को फोन कर कहा कि मेरे घर में कुछ हरकत हो रही है। उसके बाद जब तक मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे, घर का लाइट जला हुआ था और चोर निकलकर भाग रहे थे। उसके बाद सुबह जब डॉक्टर श्रीनाथ पहुंचे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला लगा हुआ था। कबर्ड और लॉकर को तोड़कर रखे जेवरात गायब थे। उन्होंने बताया कि लॉकर में पत्नी के गहने और बेटी के गहने समेत कुछ नकदी भी रखा हुआ था जो चोर लेकर भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस कुछ बोलने और कैमरे में आने से बच रहे थे। मैं अपने परिवार के साथ रांची अपने परिजन के यहाँ गया था, कोई पारिवारिक मिलन था। रात्रि में अचानक मेरी नींद टूटी तो मैंने अपने मोबाइल ऐप पर जो कि सीसीटीवी कैमरे से अटैच है उसको चेक करने की कोशिश किया तो देखा कि मेरे घर के अंदर बत्ती जल रही है और कुछ देर बाद कुछ लोग घर के अंदर चहलकदमी कर रहे थे जो कि अज्ञात लोग थे और मैं उसको पहचान नहीं पाया। तो मैं अपने पड़ोसी को मैंने तुरंत फ़ोन किया और चूंकि मैं लाइव देख रहा था तो हमारे जो पड़ोसी है वो लोग उठ के हल्ला गुल्ला करने लगे। तो 3 लोग को मैंने देखा कि वो घर से निकल के भाग रहे हैं और दीवार फान करके वो लोग नदी की तरफ से निकल के भाग गए। चूंकि अफरा तफरी पे मैं तुरंत वापस आया, सुबह में आया, जब घर खुल को देखा तो घर में करीब 3 कमरों का सभी अलमारी और उसका ताला तोड़ा हुआ था, सभी सामान बिखरा हुआ था और ज़्यादा क्षति मेरे जो अपने व्यक्तिगत रूम था उसमें उस लॉकर में माँ के गहने रखे हुए थे, पत्नी के कुछ गहने थे, कान के टॉप्स, सोने के चैन और मंगलसूत्र वगैरह थे, मेरे बच्ची के टॉप चैन और उसके जो बचपन के जो गहने थे वो थे, मेरे बेटे के गहने थे, तो जो भी छोटे मोटे गहने थे और कुछ नकदी थी करीब 60-65 हज़ार की, वो सब मतलब गायब था। सारा सामान बिखरा हुआ था और लॉकर और अलमीरा जो है मेरा पूरी तरह से टूटा हुआ है। नुकसान तो हम ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है करीब 5 लाख से ऊपर का नुकसान है मेरा, सामान की चोरी हुई है, गहना और नकद मिला करके। जी, मैंने तुरंत आकर के थाना को सूचित किया, फोन पर ही थाना प्रभारी को खबर दिया, साथ ही मैंने अपने जो भी मेरे प्रशासनिक मित्र थे सबको मैंने ये खबर दी। थाना से तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की गई, यहाँ पर लोगों ने गहनतापूर्वक जाँच किया, आसपास के इलाकों को गहराई से देखा है, सभी फुटेज वगैरह लिया और मुझे कहा गया कि आप एक FIR थाना को तुरंत दे दीजिए। तो मैं अभी वही थाने में जा रहा हूँ, जो भी मेरी चोरी है, जो भी मुझे अनुमान के तहत जो मुझे लग रहा है कि ये सामान नहीं है या गायब है उसका सूची बना करके मैं थाना को सुपुर्द कर रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें जीबीएन 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़।